महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती नगर परिषद पिछोर में मनाई गई। पिछोर में आज 27 दिसंबर को महाराजा खेत सिंह खंगार की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई, जिसमें रथ पर महाराजा खेत सिंह जी की तस्वीर को रखकर नगर के प्रमुख मार्गों से संचलन निकाला तथा भारत माता की जय एवं खेत सिंह महाराज की जय के उद्घोष किए गए। नगर भ्रमण करने के पश्चात शोभा यात्रा कार्यक्रम स्थल पहुंची, जिसमें कार्यक्रम की मुख्य अतिथि नगर परिषद पिछोर की अध्यक्षा श्रीमती कविता पाठक उपस्थित रहीं तथा कार्यक्रम की अध्यक्षता रामस्वरूप वर्मा जी ने की। पिछोर नगर के साथ साथ अन्य ग्रामों से आए हुए सभी सज्जनों का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। प्रतिभावान छात्र छात्राओं को प्रतीक चिन्ह भेंट कर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में सेवानिवृत्त शिक्षक प्रीतम सिंह वर्मा, रघुवीर सिंह वर्मा, माधुरी शरण वर्मा ने महाराजा खेत सिंह जी के कार्यकाल पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम के अंत में मुख्य अतिथि श्रीमती कविता पाठक ने महाराजा खेत सिंह जी के विषय में अपने विचार व्यक्त किए तथा कहा कि खंगार क्षत्रिय समाज हमेशा से हिंदू धर्म का रक्षक रहा है और इनका इतिहास सभी के समक्ष आना चाहिए। आजादी के अमृत महोत्सव से ऐसे महानायकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अध्यक्षीय उद्योगन रामस्वरूप वर्मा का रहा आभार व्यक्त। एडवोकेट अमित वर्मा ने किया तथा मंच का सफल संचालन आशीष वर्मा ने किया। इस अवसर पर जिला परियोजना अधिकारी जयवंत वर्मा, अशोक वर्मा, आनंद कुमार वर्मा, रूप सिंह परिहार, इमरत लाल परिहार, राजू परिहार, जनपद सदस्य कप्तान सिंह परिहार, नरेंद्र वर्मा, पंकज वर्मा, शिवराज वर्मा, राजकुमार वर्मा, अवधेश वर्मा तथा नगर के सभी समाज के गणमान्य नागरिक एवं क्षेत्रीय खंगार समाज के सज्जन कार्यक्रम उपस्थित रहे। अभी न्यूज के लिए रिपोर्टर सतेंद्र सिंह यादव, खनिया थाना। क्या नाम है भाई साहब आपका? जेएस वर्मा। भाई साहब, आज जो पिछोर में चल समारोह निकाला गया है महाराज खेत सिंह जी के उपलक्ष में, तो उसमें क्या कुछ कहना है आपका? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष वीर योद्धाओं की भूमि है। यहाँ अनेक वीर योद्धाओं ने जन्म लिया है और इसी क्रम में क्षत्रिय राजवंश जो खंगार राजवंश है उसमें हमारे खेत सिंह खंगार जी महाराज ने जन्म लिया और हमारी जाति का, हमारे वंश का गौरव बढ़ाया। गढ़कुंडार जो राजधानी बनाई उन्होंने और जो उस समय आज का बुंदेलखंड जजक मुक्ति कहलाता था और उनकी तलवार का उस समय जमाना था, तो उनकी तलवार से अच्छे अच्छे लोग कांपते थे। पर आज हमारा जमाना अलग है, हमें एक जागृति अपने समाज में लाना है कि हमारे जो खेत सिंह महाराज जी ने समाज को जितना जागृत करके, संगठित करके एक शक्ति दी, एक पहचान दी, उसी तरह आज हम सब एक संगठित होकर शक्ति दें, समाज को पहचान दें। शिक्षा के क्षेत्र में इस बार हमको जोड़ना पड़ेगा, हमें आज की समय के हिसाब से शिक्षा के क्षेत्र में हमें अपने समाज को ले जाना पड़ेगा, जो कि हम महाराज की मंशा के अनुरूप अपने समाज को आगे ले जा सकें। इसके सारे कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए हमने आज रैली निकाली, जिससे कि लोगों को भी मालूम हो कि महाराज खेत सिंह खंगार एक क्षत्रिय योद्धा थे जिन्होंने खंगार राजवंश की एक स्थापना की और उसका नाम दिया। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम आशीष वर्मा है, मैं पिछोर के निवासी हूँ। भाई साहब, आज जो महाराजा खेत सिंह खंगार की उपलक्ष में आज जो रैली निकाली गई है, उसमें क्या उद्देश्य है आपका? मेन पॉइंट उसमें क्या है? इसका उद्देश्य मुख्य रूप से ये है कि महाराजा खेत सिंह जी हमारे पुरखे हैं, हम उनके वंशज हैं और इस विरोधी खंड पर उन्होंने स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करी थी। उनकी आज 881वीं जयंती है और उस जयंती के उपलक्ष्य में प्रत्येक स्थान पर ये जयंती का कार्यक्रम मनाया जाता है। इस निमित्त हम लोगों ने पिछोर में भी ये आयोजन किया और सभी को एकजुट करते हुए समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में जो अच्छा कार्य हो सकता है सकारात्मक दिशा में, इसलिए हम सब लोगों ने ये जयंती का आयोजन, हम लोग प्रतिवर्ष करते थे लेकिन कोविड होने के कारण पिछले वर्षों में, इस वर्ष कोविड का भी इतना प्रकोप हमारे यहाँ नहीं आ पाया, इस कारण से हमने पूरे नगर में चल समारोह निकाला है और ग्रामीण क्षेत्र की जनता और नगर की जनता सभी हमारे साथ रहे हैं, समाज बंधु, और समाज बंधुओं के साथ साथ अन्य समाज के व्यक्ति भी हमारे साथ सहभागी रहे हैं। आज महाराजा खेत सिंह के उपलक्ष्य में जो चल समारोह निकाला गया है, इसके उपलक्ष्य में आपका क्या कहना है? ये महाराजा खेत सिंह कुंडारी को 3 दिन का शासकीय कार्यक्रम था, उसी क्रम में जो है यहाँ से जो वाहन जा पाते समाज में जागृति
लाल चश्मा घर मथुरा का एक जाना पहचाना ब्रांड जो लाया है त्योहारी सीजन में अपने ग्राहकों के लिए एक खास तोहफा। आप लाल चश्मा घर पर चुनिंदा ब्रांड के चश्मों पर और फ्रेम पर पाइए 10 नहीं 20 नहीं पूरे 50% की छूट। ये ऑफर केवल सीमित समय तक के लिए ही मान्य है, तो आइए लाल चश्मा घर और उठाइए मौके का भरपूर फायदा। दिवाली में इस बार हम लोगों ने सबके लिए ब्रांड्स में अप टू 50% डिस्काउंट किया है। जितने भी अच्छे आपके ब्रांड्स हैं रेबेन वो सब कुछ में आप अगर आएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे ऑफर्स मिलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स पे डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स हैं, तो आप आके उसका लाभ उठा सकते हैं।